Hi friends, my name is Archana and I am your English trainer. Okay, so last time मैंने video बनाया था आपको, एक chapter पढ़ाया था has to, have to, had to. ठीक है, इस chapter को थोड़ा सा और explore करेंगे, कुछ और इसमें extra बताएंगे हम आपको. वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैप्टर समझ आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे जो भी फर्दर वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी पहुँचे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो. थर्ड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था हैज टू, हैव टू एंड हैड टू. इस चैप्टर की रिकग्निशन मैंने आपको बताई थी. ठीक है, ये था मेरा चैप्टर 3A. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं चैप्टर 3 बट इट्स बी. कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब यूज ऑन इन, कुछ भी डिफरेंस नहीं, मींस कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह का भी कुछ चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रिकग्निशन ही एक ऐसी चीज है जो मैं आप, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. मैंने आपको पढ़ाया था कोई काम करना है, कोई काम करना है, जाना है, सोना है, रोना है, खाना है, पीना है, कुछ भी, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम अगर आपको करना है तो वहां पे हम यूज करते थे हैज टू, हैव टू, हैड टू. जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था आई had to go, जाना है, ठीक है, जाना था, तो हम यहाँ पे हमने यूज किया था had to. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो I do not have to go. ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो I did not have to go. किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मैम यहां पर had जाना था, had का यूज करना था, बट आपने have to लगा दिया, तो have to क्यों लगाया? कंडीशन है. क्या कंडीशन है? हमने इसका जाना था अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो have to तो यूज किया, लेकिन ये पास्ट का टेंस है या पास्ट का सेंटेंस है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे did not लगाया. अगर आपको पता हो तो do की जो कह सकते हैं जो second form होती है वो do means did and done होती है. ठीक है, तो verb की second form identify कर रहा है कि already ये sentence किसका है? Past का है. सिर्फ इतना ही difference है. ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे कि हमने इसको 3B क्यों बोला है. ये तो हमने 3A फिर से पढ़ा दिया, 3B मैंने इसको क्यों बोला वो भी मैं बताती हूँ. ठीक है, देखिए सेम सेंटेंस लिखा है आई हैव टू गो, आई हैड टू गो. ठीक है, अभी लिखा था जाना है, जाना था, अब लिखेंगे इसकी रिकग्निशन. सेम सेंटेंस, जाना पड़ता है, तो वहां पे भी हमें यूज करना है सेम हैज टू, हैव टू एंड हैड टू. जाना पड़ता है, हैज टू, हैव टू, जाना पड़ता था या कोई काम करना पड़ता था, तो हम वहां पे क्या यूज करते थे? हैड टू. ठीक है, काम करना है. ठीक है, अभी हम यहां से हैड टू को इरेज कर दे रहे हैं, अभी सिर्फ हैज टू एंड हैव टू की बात करते हैं. ठीक है, काम करना है पर करना पड़ता है, तो वहां पे हमें यूज करना है क्या? हैज टू, हैव टू. मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो. दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक ही चीज बोलेंगे, बस हिंदी में उसका रिकग्निशन चाहे जाना पड़ता है या जाना है, दोनों ही प्लेसेस पे हम हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम यूज कर रहे थे हैड टू, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो. दोनों सेंटेंसेस का हिंदी में डिफरेंस है, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस, चाहे जाना पड़ता है या जाना है, वहां पे हैज टू, हैव टू, जाना पड़ता था या जाना था, दोनों ही केसेस में हमें हैड टू का ही यूज करना है. ठीक है, बस इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. इस चैप्टर में बस इतना ही था,
ज्यादा और कुछ भी इसमें नहीं बताना था, छोटा सा डिफरेंस था, बट सेम डे पढ़ा देते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको 3B चैप्टर करके आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे फर्दर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। टिल देन, बाय।